नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। करण जौहर ने फिर से कंगना रनौत पर कसा तंज, सुनकर भड़क सकती हैं बॉलीवुड की क्वीन। जी हां, एक बार फिर से गुस्सा हो सकती हैं कंगना रनौत। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। वेल, एक कार्यक्रम में पहुंचे करण जौहर से पूछा गया कि उन्हें नेपोटिज्म शब्द से इतना प्यार क्यों है, तो करण ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मुझे इस शब्द से प्यार नहीं है, बल्कि किसी और को इससे बहुत प्यार है। अभी मैं कुछ भी कहूंगा तो आप कहेंगे कि मैं बहुत बोलता हूँ। करण आगे कहते हैं, मैंने बोलने का काम उनको सौंप दिया है और काम करने का मैंने ले लिया है। दरअसल करण का इशारा कंगना की ओर है। कुछ महीनों पहले करण और कंगना के बीच नेपोटिज्म को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी। करण जौहर ने IIFL के मंच पर कंगना का मजाक उड़ाते कहा था वो जॉबलेस हैं और उनसे जॉब चाहती हैं। करण को जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि जरा करण जौहर मेरा टैलेंट देखें और अपनी फिल्में देखें। कुछ लोगों को चरणप्रयास की डोज की जरूरत होती है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं अपने बलबूते सक्सेसफुल हुई हूँ। वहीं कॉफी विद करण में पहुंची कंगना ने कहा था कि करण जौहर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वालों में पहले नंबर पर हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो करण जौहर के प्रोडक्शन की फिल्म कलंक 17 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। फिल्म में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में हैं। आपको बता दें, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के वक्त कंगना रनौत काफी ज्यादा सुर्खियों में थी और उस वक्त उन्होंने फिल्म को न सपोर्ट करने को लेकर बॉलीवुड पर निशाना साधा था। कंगना ने कई सितारों को अपना निशाना बनाया था और इसमें करण जौहर का नाम सबसे ऊपर आता है और लंबे वक्त से इस खबर पर ब्रेक लगा हुआ था और अब एक बार फिर से करण ने कंगना को लेकर ये स्टेटमेंट दिया है। हालांकि करण जौहर ने कंगना का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा कंगना की तरफ जरूर जाता है। अब देखते हैं करण के इस बयान के बाद कंगना की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। आपको बता दें, हाल ही में कंगना एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई और बहुत ही स्टाइलिश लुक में नजर आई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।